मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर सुमित्रा प्रधान टीचर ऑफ एलपीजी। तो चलो जो आज फिर तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे कि स्पाइडर्स एंड फ्लाइज के बारे में। स्पाइडर्स जो होता है एक मकड़ा, और फ्लाइज होता है एक मक्खी का। तो वही मकड़ा और मक्खी का के बारे में आज हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो रीड करते हैं। While flies can travel here and there, but spiders can't go anywhere. I knew the reason why the spider always gets the fly. फिर से देखो, while flies can travel here and there, but spiders cannot go anywhere. I knew the reason why the spider always gets the fly. तो while flies can travel here and there, तो ये मक्खिका ने बोल रहा है कि मैं समय के अनुसार यहाँ से वहाँ तक बहुत दूरी तक मैं घूमता रहता हूँ और उड़ती हूँ। बट लेकिन स्पाइडर्स कैन नॉट गो एनीवेयर, लेकिन मकड़ा सर्वत्र नहीं उड़ सकता है, क्योंकि I knew the reason why। मैं इच्छा करता हूँ जानने के लिए उनका अर्थ क्या है, वो क्यों बहुत दूरी तक उड़ नहीं पाता है। तो स्पाइडर ऑलवेज गेट्स द फ्लाई, ये जो मकड़ा होता है सदा मालूम होता है उड़ना के लिए, ठीक है। तो ये राइम्स तो फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाइल फ्लाइज कैन ट्रेवल हियर एंड देयर, बट स्पाइडर्स कैन नॉट गो एनीवेयर। आई विश आई न्यू द रीजन व्हाई द स्पाइडर ऑलवेज गेट्स द फ्लाई। ये हो गया स्पाइडर्स एंड फ्लाइज के बारे में राइम्स, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज है उसको क्या करना है कि घर पर राइट कर लेना, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका चैप्टर 13। तो वही स्पाइडर और फ्लाइज के बारे में जो राइम्स है चैप्टर 13 में, वही राइम्स को बार बार रिसेट करना, ठीक है बच्चों। मैं कुछ होमवर्क भेज देती हूँ, आप कर लेना। थैंक्स।